अवज़बिल्निशैत बिस्मिल्लिम असलम कैसे हैं आप सब ठीक हैं खैरियत से हैं माई नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची नाजरीन आज की गुफ्तु का मौजू कि हमें रात को बिस्तर पर जाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाकर अपनी नींद को भी बेहतर बना सकते हैं और इसके अलावा हम अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसमें इन चीज़ों को शामिल करके अपने लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं तो वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बरए मेहरबानी ज़रा सा टाइम निकाल कर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें नाजरीन रात को बिस्तर पर जाने से पहले चंद अहम और ज़रूरी चीज़ें जो कि हमारी रूटीन का लाजमी हिस्सा होनी चाहिए जो कि शर्यी अतबार से और मेडिकल आस्पेक्ट से बहुत ज़रूरी हैं जिनको फॉलो ना करने की वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इशूज़ में मुबतला रहते हैं तो आज इन हम एक एक करके इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे सबसे पहली चीज़ कि रात को बिस्तर पर कोशिश ये करें जितना जल्दी हो सके आफ्टर नमाज ईशा या तकरीबन रात को 9 से 10 बजे के दरमियान कोशिश करें कि बिस्तर का रुख करें और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि कभी भी खाना खाने के फौरन बाद बिस्तर ना लें और फौरन ना लेट जाएं बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि मगरिब और इशा के दरमिया खाना खाया जाए और इशा के बाद यानी कि खाना खाने से लेकर बिस्तर जाने तक लगभग दो घंटे का गैप हो तो इसकी एक ख़ास वजह ये है कि हमारा खाना स्टमक से निकल कर हमारी इंटस्टीन में जा चुका होता है और फिर आगे हम उसको मुख्तलिफ हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं परफॉर्म करने में या डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत आसानी रहती है मुकम्मल तौर पे काम करने के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए और अगर हम खाना खाने के फ़ौर बाद लेट जाते हैं तो उसकी वजह से बद हज़मी तेजाबियत गर्ड यानी कि गैस्ट्रो इंटस्टाइनर रिफ़्लैक्स डिज़ीज़ अक्सर इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं एसिडिटी हार्ट बर्न ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो पेशेंट्स को होते हैं अगर हम खाना खाने के दो घंटे के बाद जब स्टमक से हमारी डाइट निकल चुकी हो तो फिर हम अगर बिस्तर पे जाते हैं तो बड़ी मज़े की और सुकून की नींद भी आती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर रहता है इसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज़ है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बिस्तर पर जाने से पहले हमें कम अज़ कम एक गिलास पानी ज़रूर पी लेना चाहिए एहतियातन उसकी वजह यह है कि रात को हमारी बॉडी के तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस और दीगर फंक्शंस जो हैं वो रेगुलर चल रहे होते हैं जिसके लिए पानी की ज़रूरत होती है और अगर हम पानी ना पिए और अगर पानी पीने में बे एहतियाती हो और ख़ास तौर पर गर्म मौसम हो या खाना इस नोयीत का खाया हुआ है जिसमें हैवी एनर्जी लगती है मेटाबॉलिज्म के लिए तो ऐसी सूरत में फिर बॉडी डिहाइड्रेट होती है जिसके काफ़ी नुकसान हैं इसके अलावा रात को सोने से पहले बिस्तर लेने से पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें यूरिन पास करने की हाजत हो रही हो या ना हो रही हो पेशाब आ रहा हो या ना आ रहा हो हमें एक बार वाशरूम जाके जो भी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड है या जमा हो चुका है चाहे वो थोड़ा सा हो या बहुत ज़्यादा हो हमें पास आउट करके फिर बिस्तर पे जाना चाहिए उसकी वजह ये है कि हमने छः से आठ घंटे की नींद लेनी है और अगर ऑलरेडी नींद से पहले मसाना फुल होगा तो फिर छः आठ घंटे मज़ीद जो फ़िल्ट्रेशन होगी उसको स्टोर करने के लिए प्रॉब्लम होगा और मसाने पर बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट और बॉडी पर भी इसके बहुत सारे नेगेटिव असरात आते हैं और इसके अलावा नींद भी ख़राब होती है बाजूकात हमें नींद से उठ कर फिर वाशरूम जाना पड़ता है तो ये हमारी नींद में ख़ल का बायस है तो इसलिए कोशिश ये करें कि जब भी बिस्तर का रुख करें तो पहले वाशरूम लें उसके बाद फिर बिस्तर पर जाएं। इसके अलावा हमें बिस्तर पर लेटकर कोशिश ये करनी चाहिए अक्सर लोगों का कहना और मानना ये है कि जो सारा दिन काम किए हैं उनको एक बार रिवाइज किया जाए कि हमने सारा दिन क्या किया और किस तरह से किया बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए लेकिन इससे कहीं हद तक ज़्यादा ज़रूरी है कि जो काम हमने आने वाले कल में करने हैं उनको अपने माइंड में एक बार रिकॉल करें अगर हम उन कामों को अपने माइंड में एक बार रिकॉल करते हैं तो मेरे ख़्याल से हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है या जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है अक्सर बेशतर हमने जब सुबह कभी जल्दी उठना हो तो हम अलार्म लगाते हैं लेकिन अलार्म से पहले हमारी आँख खुलती है तो ये हमारी कैफियत या ये हमें किसने हमारी आँख को खोला ये हमारा पैरासम्पथटिक है जो कि हमारे साथ हर वक्त काम कर रहा होता है तो जब हम अगले दिन के काम या अगले दिन की रूटीन को अपने माइंड में कॉल करते हैं रात को सोने से पहले तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारा ख़ास तौर पे पैरा नर्वस सिस्टम जो है इसको शेड्यूल करता है और इसको आसान बनाता है हमारे लिए और हमारे माइंड में ख्यालात आते हैं कि हमने इस काम को कल किस तरह से करना है जो कि अगले दिन के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकता है तो इन मेरी कोशिश ये है कि हम इस तरह की मेडिकल से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आते रहें उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इन ये आपके लिए बहुत साबित होगी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हमारा फेसबुक पेज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत शुक्रिया अस्सलाम व रहमतुल्लाह